एक बात ज़हन में रखो, उम्र में जवानी आती ही नहीं जाती, मगर जवानी का सवाल अलग से होगा। अन उम्री फीमा मामला, उम्र का सवाल अलग, सारी उम्र कहां गुजारी और सारी उम्र में कहां बिताया जवानी? क्यों? जवानी एक ऐसी नेमत है जो तुम्हारे जिंदगी के तमाम अदवार में सबसे खूबसूरत तरीन मरहला है। इस वास्ते अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अकेले में गुनाह कम करो। किसमें? सब देख रहे हैं तो अच्छे बने हुए हैं, अकेले कमरे में जाने के बाद, मोबाइल फोन और इंटरनेट हाथ में आने के बाद जो चीजें तुम देखते हो, अकेले में गुनाह करने से बचो। अगर तुम अकेले में गुनाह करोगे, रोजे कियामत पहाड़ के बराबर भी सवाब लेकर आओगे, हवाए मंसूर अल्लाह बना देगा। इस वास्ते इसमें अगर आप नेक बनते हैं तो वो नेकी इतनी बड़ी कीमती है कि अल्लाह कहता है कि सबातुन युज़िल्लुहुम अल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। और अर्श के साए में अल्लाह तबारक व तआला सात किस्म के लोगों को रखेगा। सात सिफात वाले लोग वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में अर्श के साए में जगह देगा, जबकि कोई साया नहीं होगा। जी हाँ, मिलेगा साया, साया मिलेगा, मगर अर्श का साया। कौन सा? अर्श का साया मिलेगा। वो नौजवान जो अपनी नौजवानी अल्लाह की इताअत में गुजारता है। जब मैं बोल रहा हूँ, लड़की भी है और लड़का भी है। नौजवान जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, गौर से सुनो, नौजवान जब मैं कह रहा हूँ, इसमें बच्ची भी है और बच्चा भी है। हालत जवानी में कहाँ था तू? वो देख, जवानी में तूने क्या कुछ किया, जवानी के रातों में तूने क्या किया, वो देख। अगर वाकईतन नौजवान आ गया है, नौजवान बदल गया है इस उम्मत का, और नौजवान वाकईतन दीनदार बना है, याद रखो कई सौ वलियों से बेहतर है। इसी वास्ते में चंद नौजवानों को जब देखता हूँ कि दीन की खिदमत के लिहाज से अपना तन मन धन छोड़ के जब आते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये इस उम्मत के वली हैं। वली, अगर वलियों को जिंदा देखना हो तो उन नौजवानों को देखो जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी नौजवानी गुजारी और अपनी नौजवानी गुजारना चाहते हैं। मामूली बात नहीं है जवानी में अल्लाह की तरफ आना। इसी वास्ते अल्लाह की इबादत में गुजारा है उस नौजवान को अल्लाह ताला ये अर्श के साए में जगह मिलता है। सुहा